कई मायनों में यादगार रहा। बीते साल भारत ने टेस्ट, वनडे और टी20 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व कप की शीर्ष टीमों को हराने में सफलता पाई। टीम इंडिया ने साल का अंत वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 में जीत के साथ किया। जीत के सिलसिले को भारतीय टीम नए साल में भी जारी रखना चाहेगी। नए साल में टीम इंडिया का पहला मुकाबला श्रीलंका के साथ होने जा रहा है। श्रीलंका के खिलाफ भारत को क्रिकेट के छोटे प्रारूप में 3 मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 5 फरवरी को गुवाहाटी में होगी। इसके बाद 7 को इंदौर और 10 को पुणे में दोनों टीमें खेलेंगी। इस साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टी20 विश्व कप के मद्देनजर भारत के लिए ये सीरीज अहम है। टीम प्रबंधन ने जहां ओपनर रोहित शर्मा को इस सीरीज के लिए आराम दिया है, तो दूसरे ओपनर शिखर धवन ने चोट के बाद टीम में वापसी की है। डेथ ओवरों के विशेषज्ञ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी से भी टीम को मजबूती मिली है। बात अगर भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले की करें, दोनों टीमें लगभग 1 साल बाद द्विपक्षीय सीरीज में आमने सामने होंगी। इससे पहले 2017-18 में श्रीलंकाई टीम 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत आई थी। भारतीय टीम ने यह सीरीज 3-0 से जीती थी। भारतीय टीम ने 12 साल से श्रीलंका के खिलाफ कोई टी20 सीरीज नहीं गंवाई है। इस दोनों टीमों ने अब तक 6 सीरीज खेली हैं, जिसमें से 5 जीती हैं जबकि 1 ड्रॉ रही है। दोनों ने पहली सीरीज 2008-09 में खेली थी। ये सीरीज टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के लिए काफी अहम मानी जा रही है। वो पिछले कुछ समय से रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2019 में टी20 में उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली थी। उन्होंने 12 मैचों में 267 रन बनाए थे। धवन के घुटने में सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के दौरान चोट लगी थी, इसके चलते वो विंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए थे। उन्होंने चोट से वापसी करने के बाद दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में शतक लगाकर खुद को फिट साबित किया। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में कप्तान विराट कोहली के कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। वो पिछले साल सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। विंडीज के खिलाफ सीरीज में नाबाद 94, नाबाद 70 और 19 रन की पारी खेल सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 2019 में 10 मैचों में 4 अर्धशतकों की मदद से 466 रन बनाए। 2020 में वो अपने रन बनाने के सिलसिले को जारी रखना चाहेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच टी20 की बात करें तो दोनों के बीच अब तक 16 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबले हुए हैं।